इमरजेंसी को मिलने के लिए ठाणा हॉस्पिटल जा रही हूँ, तो रात को वहीं रुक जाऊंगी। क्यों माँ, रुकने की क्या जरूरत है? अरे बापूजी ने कहा आज रुक जाना, जयश्री को अच्छा लगेगा। अच्छा बापूजी ने बोला है तो ठीक है। ओ पिड़ो, ओ मेरी गाल सुन ला, ओ ये स्कूटर स्टार्ट नहीं होगा तो इसको बंगार में बेच दे। बरोबर कह रहे हैं सोनी भाई। माधुरी है तू बोलते, ये स्कूटर मैं बंगार में बेच दूं? अरे का है माँ, ये स्कूटर मेरा प्राण है, मेरी शान है, मेरे पसीने की मेरी मेहनत की कमाई का स्कूटर है ये, मेरे जीवन में इसका खास महत्व है। आपके लिए भले ही ये स्कूटर पुरानी हो, भंगार हो, खटारा हो, लेकिन मेरे लिए सबसे बढ़कर है। 38। और 38 मतलब? अब तक भीड़ अंकल 38 किक मार चुके हैं और अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। और 38 क्या, 138 होगा ना तब भी स्टार्ट नहीं होगी। और पिडू मेरी गाल सुन। देख, अभी मैं किक मार के स्कूटर को स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, अगर तो किक मार के ये स्कूटर स्टार्ट हो गया फिर तो ठीक है, नहीं तो स्कूटर को बंगार में गोल कर दियो। हाँ, हाँ, बराबर। हलो, बहुत प्यारा स्कूटर है ना तेरे को। ना माधुरी भाभी की सुनता है, ना मेरी सुनता है, ना हाथीपुरा की सुनता है, ना टप्पू सेना की सुनता है, तो सुनता किसकी है ये? अरे सोडी, प्यार से किक मार भाई, स्कूटर है। रुक, लेट मी ट्राई। आइए आप जरा प्यार से कर लीजिए, आइए आइए। यस करो भाई। अरे हाथी भाई, हाथी भाई रहो दे। करू दे। अरे हाथीपुरा, पीड़ू का स्कूटर स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो जन्म जन्मांतर तक स्टार्ट ही नहीं होगा। पीड़ू का स्कूटर भी एकदम उसके जैसे जिद्दी है। सही बात है, मैं ट्राई करूं। यही रह गया था। हाँ आजा आजा। मैं एंजॉय। ठीक है ना तू? ओए मैं फिर से इसको ट्राई कर रहा हूँ, अभी आखिरी कोशिश है, दाग बना के रखा हुआ है। ओ पैर कौन सा था? यही था, यही था, यही था। हो जा, हो जा। सॉरी सॉरी हलू। अरे प्रेमा ने राजा। कोशिश भी नाकामयाब हो गई। मैं आज तक मैं जिंदगी में इतना नहीं थका जितना तेरे इस थकेले स्कूटर ने मुझे थका दिया। अभी के अभी इसको बंगार में बेचे आप। अरे भिड़े मास्टर, वक्त के साथ चलना चाहिए, अभी पुराने जमाने का स्कूटर बेच दो। दरअसल बात यह है कि दो दिन से स्कूटर मैंने स्टार्ट नहीं किया था ना, तो उसकी वजह से स्टार्ट नहीं हो रहा है वो। अरे हो जाएगा स्टार्ट, अभी मैं वापस ट्राई करता हूँ ना। देखो भिड़े मास्टर, बात समझने की कोशिश करो, तुम वापस से ट्राई करोगे तुम्हारी सांसें तेज हो जाएंगी, तुम्हारी सांसें तेज हो जाएंगी, तुम्हारे हार्ट पे प्रेशर आएगा, और अगर हार्ट पे प्रेशर आया तो हार्ट अटैक भी हो सकता है। ओए पिड़ो, कुछ तो अपनी सेहत का ध्यान रख यार, हाथ जोड़ता हूँ। एकलत? अरे का एकलत? नहीं नहीं हाथी भाई, कुछ भी क्या बोल रहे हो, क्यों डरा रहे हो आप? हाँ एक मिनट मैं ट्राई कर रहा हूँ, एक मिनट पकड़ो जरा इसको। अरे ओहो, देखो यहाँ प्रॉब्लम है, इसका प्लग ही खराब हो गया है, प्लग बदलना पड़ेगा।
प्लग नहीं, ये स्कूटर ही बदलना पड़ेगा पिड़ो। ये पूरा का पूरा स्कूटर आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह से खराब हो गया। और मेरी बात मानिया यारा, इस स्कूटर को जल्दी से जल्दी बंगार में बेच दे और 2-3 हजार रुपया मिलेंगे, अपनी जेब में डाल और खुश हो जा। और वक्त लगाया ना तो ये स्कूटर बेचने के लिए तुझे अपनी जेब से पैसे भर के बेचना पड़ेगा। क्या कुछ भी बोल रहा है सोड़ी? नहीं नहीं सही बोल रहा है। ओए पिड़ू यारा, ऐसे पुराने स्कूटर गड्डियां बहुत आती हैं मेरे गैराज में, और इनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई खरीद के राजी नहीं है। मान जा यारा, मान जा। मेरे मास्टर, अगर स्कूटर के चक्कर में तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई ना तो हॉस्पिटल का इतना बिल आएगा जितने में नया स्कूटर आ सकता है। हुकु भाई, आओ, हम लोग अभी रिक्शे से जा रहे हैं, आपको आना है? हाँ बाबा, चलिए ना रिक्शा से, मुझे परसों वापस भी तो आना है। ठीक है मैं प्लग बाद में चेंज कर लूंगा, अभी रिक्शा से चलते हैं। चलो चलो, ये मैं लगाता हूँ, तू जा। सोडी अंकल, वो जो सारा भंगार पड़ा ना, वो बेच के हम लोग नई गेम खेलने वाले, तो आप हमारे साथ आओगे ना? बिल्कुल 100% बच्चों, तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है। मैं बस अभी गैराज होके आता हूँ, फिर चलते हैं गेम्स खरीदने। चलो पापा, टाटा आपने बने। अरे भाई, भंगार खरीदते हो? अभी यहाँ पे भंगार का बोर्ड लिखा है तो भंगार ही खरीदूंगा ना। ऐसा जरूरी थोड़ी है, मैं एक आदमी को जानता हूँ, उसका नाम है लोखंड वाला, लेकिन वो प्लास्टिक का धंधा करता है। और एक आदमी को जानता हूँ, उसका नाम है चूना वाला, लेकिन वो टेलरिंग का काम करता है। अरे सही बोला भाई, मेरा नाम धर्म काच वाला है, लेकिन मैं पान बेचता हूँ। सुना भाई? और एक आदमी काय को खोटी करता है टाइम की, जो काम है बोल दो ना। गोकुलधाम सोसाइटी पता है? हाँ पता है। वहाँ से भंगार लेना है? ले लूंगा। वहाँ जाके टप्पू सेठ से मिल लेना। ठीक है बाबा, मैं मिल लूंगा टप्पू सेठ को। जितना भंगार है ना उतना उठा लूंगा भाई। शाबाश, तो आप सीधा गोकुलधाम पहुंचाइए। चलो टप्पू सेठ का काम हो गया, गोकुलधाम डायरेक्ट। अरे नाम क्या है? टप्पू। ठीक है टप्पू भाई, तो मैं गोकुलधाम पहुंचता हूँ अभी। नहीं नहीं, मेरा नाम अब्दुल है, आप गोकुलधाम जाएंगे ना तो वहाँ आपको टप्पू मिलेगा। अच्छा। और हाँ, भावताल में ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना, जो अपना टप्पू है ना और स्मार्ट है, हाँ, समझे? जल्दी से गोकुलधाम पहुँच जाओ। चल। लो आ गया आपका सारा भंगार। ठीक है ठीक है। ये लीजिए। थैंक यू। वेलकम। टप्पू, सारा भंगार तो जमा हो गया, लेकिन भंगार खरीदने वाला क्यों नहीं आया? अरे बागा भाई ने भंगार खरीदने वाले को भेज दिया है, बस आते ही होंगे। बच्चों, अरे थैंक यू आंटी। ये ले, ये ले प्रथम, ये ले। नहीं ये मैं, ये है ये मैं। आ ये लो। अरे अरे आराम से। वाह वाह, गर्मी में शरबत। अरे खत्म हो गया। थैंक यू आंटी, थैंक यू। वेलकम। टप्पू, दया भाभी घर पे नहीं है तो तुझे भूख लगे तो घर पे आ जाना, ठीक है? ओके आंटी। और बच्चों, तुम लोग भी आ जाना। इधर टप्पू सेट कौन है? ये क्या जोक कर रहे हैं? ये छोटा बच्चा टप्पू सेट? भाई साहब, यही टप्पू है। माफ करना बहन जी, लेकिन बागा भाई ने कहा है भंगार के लिए टप्पू सेट को मिलने को। हाँ बराबर बराबर। भंगार? हाँ अंजलि आंटी, क्लब हाउस में नए गेम्स लाने ना, इसलिए भिड़े अंकल ने कहा ये सारा भंगार भेज दो। हाँ। हाँ,
आइए आपको भंगार दिखाता हूं। हाँ चलो, ये है भंगार। अरे वाह, इतना सारा भंगार। इधर टप्पू भाई कौन है? मैं हूँ। ओ अब्दुल भाई ना, उन्होंने भेजा था भंगार लेने के लिए। एक साथ दो दो भंगार वाले? नहीं नहीं, भंगार मैं ही ले जाऊंगा, भंगार मैं लूंगा। पहले मैं आया था, टप्पू सेठ मुझे ही भंगार देना पड़ेगा। टप्पू सेठ भंगार मैं लूंगा? नहीं नहीं, भंगार मैं लूंगा। लो, दो भंगार वाले एक साथ आ गए। हाँ, ये तो धर्म संकट हो गया। बहन जी क्या धर्म संकट, अरे इतने दूर से मैं आया हूँ, मैं ही भंगार ले जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं लूंगा, मैं लूंगा, मैं लूंगा, मैं लूंगा, मैं बोला ना, मैं बोला मैं लूंगा। अरे आप लोग एक काम करो, आप लोग फाइट करो, जो जीतेगा वो ये भंगार लेके जाएगा। अरे अरे गोली, क्या बोल रहे हो? नो झगड़ा नो फाइट, हिंसा बुरी बात है। एक काम कीजिए भाई साहब, आप दोनों आधा आधा भंगार ले लीजिए। हाँ बराबर। नहीं नहीं बहन जी, इतना भंगार के लिए टेम्पो बुलाना पड़ेगा, और आधा भंगार में टेम्पो नहीं परवड़ेगा बहन जी। और मुझे तो पूरा भंगार चाहिए। मुझे भी पूरा ही चाहिए। टप्पू एक काम कर दे, हमें जो ज्यादा पैसे दे रहे ना उसे भंगार दे देते। हाँ, बेटर। ठीक है, ये जितना पैसा देगा ना उससे मैं एक रुपए ज्यादा दूंगा। वाव। और ये जितना देगा ना उससे दो रुपए मैं ज्यादा दूंगा। हाँ दादाजी कहते कि जीवन में समझदारी से फैसले लेना चाहिए, जिद में नहीं। तो टप्पू फैसला कैसे होगा? एक काम करते, जिसके नसीब में भंगार होगा वो भंगार लेके जाएगा। मतलब हमें ज्योतिष को बुलाना पड़ेगा? होगी नहीं नहीं, हम लोग टॉस उड़ाएंगे, जो टॉस जीतेगा वो भंगार लेके जाएगा। मंजूर है? नहीं नहीं, इतने दूर से मैं आया हूँ टप्पू सेठ, मैं भंगार ले जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं लूंगा। ठीक है, तो हम किसी और भंगार वाले को बुला देते। अरे नहीं 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 नहीं, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर। खुशी से? खुशी से। ठीक है, तो हेड या टेल? क्या मतलब है? समझा नहीं। अरे भैया, हेड या टेल मतलब काटा या छापा। हाँ हाँ, काटा। एक काटा मुझे चाहिए, मुझे काटा चाहिए, मुझे काटा चाहिए। अरे छापा लेना। नहीं काटा चाहिए ना, लेकिन छापा ले बोला ना मैंने। काटा चाहिए, छापा ही ले। नहीं काटा ही चाहिए बाबा, छापा ले बोला ना मैंने। ठीक है चलो, तीसरे भंगार वाले को बुला देते। चलो चलो। नहीं 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 नहीं, अरे तुझे क्या चाहिए? मेरा छापा। छापा? हाँ चल। तो मेरा काटा। ओके, वन टू। अरे चलता है टप्पू सेठ, लेकिन टप्पू सेठ तुम्हारा स्टाइल अपने को पसंद आ गया। चल भाई आज तू कमाल है। टप्पू सेठ अगली बार मुझे ही बुलाने का? अरे पक्का पक्का पक्का। चलो बोलिए अंकल, इस भंगार का कितना दोगे? 4,000 दे दूंगा। चलो बस। चलो 5,000। सॉरी अंकल। गोली, जब अंकल को बोला क्या? अरे रुको रुको, मैं तो मजाक कर रहा था। आप बोलो आपको कितना चाहिए? 13,000। 13,000 थोड़ी होता है इसका। 13,100। अरे टप्पू भाई नहीं परवड़ेगा इसमें। 13,200। अरे भाव बढ़ाते ही जा रहे हैं, महंगाई का जमाना है। अरे महंगाई तो मुझे भी नड़ती है ना। 13,300। अरे नहीं परवड़ेगा टप्पू। अरे अंकल जल्दी से डन कर लो, एक बार भाव बढ़ गया ना वापस कम नहीं होगा। अरे पर 13,400। ओके ओके ओके, 13,400 में फाइनल। चलो फाइनल फाइनल। ओके, और अब्दुल भाई ने सही कहा था, टप्पू भाई तुम बहुत ही ओवर स्मार्ट हुआ। हेलो टप्पू भाई। टप्पू क्या बिजनेस माइंड है, भीड़े अंकल खुश हो जाएंगे। हाँ यार। टप्पू से ना, मैं घर पे हूँ, कोई भी काम हो तो बुला लेना। ठीक है? ओके आंटी, वेल डन। ओह बच्चों, भाई क्या हुआ भंगार का, बेचा कि नहीं? अरे बेचा ना अंकल, इनको ही बेच दिया। अच्छा अच्छा, ओ भाई साहब हमारी सोसाइटी के बच्चों को बच्चा समझ कर तुम भावताल में बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो ना? अरे साहब ये बच्चे इतने होशियार है ना,
इनको बेवकूफ कोई बना ही नहीं सकता। हाँ वो तो है। मैं कितने में बेचा भंगार? पोपट अंकल पूरे 13,400 में। क्या? ये देखो। ओहो, बच्चों लगता है आगे से सोसाइटी में सारी डील तुम लोगों से करवानी पड़ेगी। भाई आई एम प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और मैं क्या बोल रहा था कि अरे अरे रहने दो साहब, 30 रुपए दे दूंगा इसके। क्या बकवास कर रहे हो, मेरे अनमोल छाते का 30 रुपया? बच्चों अभी के अभी इस भंगार वाले को ये सारा भंगार बेचना कैंसल। शांति शांति। अरे साहब 50 रुपए दे दूंगा। अरे क्योंकि क्या वो एंटीक पीस है ना, और 70 में सब नया तो आ ही जाता है। अरे भाई क्या बकवास पे बकवास किए जा रहे हो, तुम्हें मालूम है मेरे लिए छाता कितना इम्पोर्टेंट है? 50 रुपया बोल रहा है। अरे तुम 10,000 दोगे तो भी नहीं बेचूंगा इसको मैं। 11,000 दे दो। अरे गोगी। अरे गोगी। पोपट अंकल आप छोड़िए ना, इनको आपके छाते की वैल्यू नहीं पता है। अंकल पोपट अंकल के लिए उनका छाता छाता नहीं, उनकी जान है जान। अरे इन्होंने अपने छाते का बर्थडे तक मनाया है तो। माफ कीजिए गलती हो गई। ठीक है ठीक है, लेकिन आज से कसम खाओ कि कभी भी किसी भी छाते की वैल्यू कम नहीं करोगे। नहीं नहीं सॉरी। एक मिनट। हेलो। नहीं नहीं बोलिए बोलिए सर बोलिए। हाँ हाँ। अच्छा लड़के लकड़ी। सॉरी 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 एक मिनट। चलो बच्चों मैं फिर बाद में मिलता हूँ। ओके बाय बाय बाय। लकड़ी पे आर्टिकल कैसे हो सकता है? हाँ ठीक है, तो मैं अभी टेम्पो मंगा लेता हूँ। हेलो पप्पू भाई। अरे साहब अभी इतना बंगार हमसे लिया है तो ये भी दे डालो ना, इसमें क्या है अभी? अरे नहीं अंकल। नहीं अंकल ये स्कूटर हमें बंगार में नहीं बेचना है। एक मिनट एक मिनट, आप इस स्कूटर का कितना दोगे? वैसे तो देखो इसका 2,500 बनता है, लेकिन आपसे डील हुआ है ना तो इसके लिए चलो 3,000 दे ही देता हूँ। चलो बेचना ही नहीं। 3,000? नहीं नहीं तो रहने दो, चलो फ्रेंड्स। अरे टप्पू भाई सुनो तो, आपको कितना चाहिए बोलो बोलो बोलो। मुझे तो ये स्कूटर 50,000 में बेचना है। पर टप्पू। अरे क्या टप्पू भाई कुछ भी मजाक कर दो क्या। अरे अंकल ये गाड़ी का क्लच ब्रेक टायर कार्ड सब कुछ बराबर है। हाँ लेकिन। अच्छा चलो ठीक है, सिर्फ आपके लिए 44.5 का डिस्काउंट, यानी 5,500 मंजूर है। अरे क्या टप्पू भाई कुछ भी बोल रहे हो आप। अरे टप्पू टप्पू क्या कर रहा है, भिड़े अंकल बहुत चिल्लाएंगे। अरे वो तो उनका काम ही है यार। और भूल गए सोडी अंकल ने क्या कहा, ये स्कूटर के 2,000 भी नहीं मिलेंगे। और सोचो स्कूटर बेचने पर माधवी आंटी और सोनू कितने खुश होंगे। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ भीड़ अंकल के भलाई के लिए कर रहा हूँ। ठीक है अंकल। देखो टप्पू भाई प्लीज अभी 5,200 में मान जाओ प्लीज। 5,700। अरे इसको कुछ बोलूंगा ना तो ये भाव बढ़ाते ही जाएगा। चलो टप्पू भाई डन डन 5,700 फाइनल। ये लीजिए 5,700 पूरे है, गिन के लीजिए। बराबर एकदम बराबर। अब सोसाइटी में अर्थक्वेक आएगा। चीजों को वर्तमान से अतीत होते ज्यादा वक्त नहीं लगता। अब देखिए ना यही वो जगह है जहाँ भिड़े अपना स्कूटर खड़ा करता था, क्योंकि वो स्कूटर बिक चुका है। और बिका भी ऐसे नहीं है, टप्पू ने उसे बेच दिया। भाई गजब हो गया, टप्पू ने भिड़े का स्कूटर बेच दिया, या दूसरे लफ्जों में कहूं तो टप्पू ने पटाखे के ढेर पे चिंगारी रख दी, या फिर किसी जंग का बिगुल फूंक दिया। भाई भिड़े का प्राणों से प्यारा स्कूटर, जिससे ज्यादा चीज उसे कोई प्यारी थी ही नहीं। टप्पू छोटी मोटी शरारतें करता रहा, लेकिन नादान टप्पू ने इस बार तो ये बहुत बड़ी गलती कर दी है। किसी की कोई चीज बेच देना, वो भी उससे बिना पूछे, वो भी भंगार में। भाई भिड़ों को पता चलेगा तो क्या होगा? मैं जानता हूं कि यहां बहुत कुछ होने वाला है, और आपके मन में भी आशंका है कि क्या हो सकता है। यहां बहुत कुछ हो सकता है और बहुत कुछ होगा, लेकिन रिजल्ट सिर्फ ठाके ठाके। टप्पू ने ये शरारत करके स्कूटर नहीं बेचा है, मुसीबत खरीद ली है। देखते हैं क्या होता है, देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।